औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर एक थाना क्षेत्र में बीती रात एक 5 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर एक के बांडीखाली इलाके में रिश्तेदारों को तार तार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक वहशी दरिंदे नीलेश पिता सचिन निवासी देवास ने अपने मुँह बोली बहन की 5 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। नाबालिग की माँ सुनीता बदला हुआ नाम के अनुसार कल रात नीलेश किसी काम से मोटरसाइकिल मांगने आया था। हमारे द्वारा मना करने पर वो मेरे पति के साथ बैठ गया। इसी बीच नीलेश ने मेरी बेटी को चॉकलेट दिलाने के लिए ले गया, तभी मौका पाकर नीलेश ने मेरी बच्ची के साथ गलत काम किया। हमको जानकारी मिलने पर तुरंत बच्ची को अस्पताल ले गए व पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच अधिकारी ज्योति के अनुसार बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी नीलेश पिता सचिन के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग का मेडिकल करवाया गया है। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। सर, पीतमपुर में 6 वर्षीय बालिका के साथ उसके मामा ने दुष्कर्म किया है, क्या है पूरा मामला और क्या आरोपी की गिरफ्तारी होगी? सेक्टर 1 थाना पीतमपुर के अंतर्गत शाम को एक 6 वर्षीय बालिका अपने परिजनों के साथ में थाने पर उपस्थित हुई थी और उनके परिजनों का यह कहना था कि उसके मुंह बोले मामा के द्वारा उसके साथ में ज्यादती की घटना थी। चूँकि उस बच्ची को कहीं ना कहीं ब्लीडिंग वगैरह भी थी, उसको लेते हुए पुलिस के द्वारा तुरंत FIR की गई है, उसका मेडिकल कराया गया है और उसका जो मामा उसको बहका के बिस्किट देने के बहाने उनके पिता के सामने ही लेके गया था, उसको भी त्वरित रूप से हिरासत में लिया है और गिरफ्तारी की गई है। बालिका का मेडिकल भी कराया और बिल्कुल व्यवस्थित और ठीक है। प्रकरण के अंदर एट्रोसिटी, पॉक्सो और 376 के अंदर अपराध भी पंजीकृत है। आरोपी कौन है और क्या करता है? आरोपी उसी का मुंह वाला बहन है, नीतीश नाम का। थैंक यू सर। क्या लेबर? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।